हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंजा नईम व्लॉग्स। तो आप लोग का वेलकम करती हूँ एक नई सुबह में, एक नई ब्लॉग में। तो आज मैं हम सारे बहुत खुश हैं क्योंकि कल हमारा दिन बहुत बुरा गुजरा क्योंकि फ्रिज ख़राब हो गया था। और फ्रिज का एक दिन ख़राब होने से ना लग पता गया सबको, यानी ना बर्फ़ मिल रही थी ना आटा रखने को जगह थी, यानी धर्म बड़म हो गया किचन का निज़ाम एक दिन फ्रिज के चले जाने से। अब फ्रिज कल रात को 10 बजे आया था और उसके बाद फिर हमने 2 घंटे का उसको रेस्ट दिया, उसमें ट्रेस वगैरह सेट की और उसके बाद वो ठीक हो गया माशाल्लाह। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ कि ना हमें बाबा की कॉल आई और वो कह रहे हैं कि मैं शहर में हूँ, मैं लेट हो जाऊँगा तो फ़ातिमा को स्कूल से ले आओ। तो फ़ातिमा इतनी लेट हो गई है, यानी उसको 1:15 की छुट्टी हुई है। और अभी मैं आपको टाइम दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये देखें 1:40 हो रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आपने टाइम देख लिया 1:40 हो रहे हैं और फामा अभी तक स्कूल से नहीं आई क्योंकि बाबा बहुत लेट हो गया। बाबा 1:15 के कहते हैं उसको छुट्टी हुई है। बाबा ने अभी अभी कॉल करके बताया कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ तो उसको आप लोग जाके ले आओ। तो पप्पो और जो मेरा भाई है वो इन ड्राइव करा के ज़रा गए हैं मेरी बहन फातिमा को लेने। उसको बहुत लेट हो गया है और सुबह से उसने थोड़ा सा आज नाश्ता भी छोड़ा किया था और मेरे ख्याल से उसे भूख लगी होगी बहुत ज़्यादा। और लेट होने जाने की फिर पता ही है, जब लेट हो जाता है ना बंदा तो उससे गुस्सा बहुत चढ़ता है। तो उसके बाद अभी मैं आपको दिखाती हूँ हमारा फ्रिज भी माशाल्लाह ठीक हो गया। और आमना आज कलर्स कर रही है मुझे, मैंने कहा आमना क्या कर रही है, तो मुझे कह रही मुझे होमवर्क करने दो, मुझे तंग ना करो। ये देखें फ्रिज भी ठीक हो गया है और आमना यहाँ पे लेटता है होमवर्क कर करके थक गई है। आमना होमवर्क करके थक गई है, बहुत ज़्यादा होमवर्क की है। फ्रॉक पहना अपना बेबी दिखाना बेबी। ये देखें ये आमना की प्रिंसेस है जिसके साथ आमना हमेशा रहती है और आमना इसके बिना नहीं रह सकती। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे स्कूल से मैसेज आया था कि 31 मार्च से पहले पहले आप लोग आके अपनी प्रैक्टिकल कॉपी साइन करवाएं। तो अब मुझे स्कूल जाना पड़ रहा है तो इस वजह से कल आज मैंने पूरी तैयारी करनी है। जाहिर बात है हम लोगों ने ना कल्चर डे हुआ क्योंकि जिस दिन कल्चर डे था हमारे पेपर्स में गुजर गया। यानी कल्चर डे ही ना हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी की तरह होता है, हमारे स्कूल में फेयरवेल पार्टी नहीं रखी जाती 10th के लिए। कल्चर डे ही 10th अपने फेयरवेल की तरह मनाती है, तो वो पेपर्स में गुजर गया तो वो भी नहीं हम मना पाए। तो इस वजह से हमारा लास्ट डे हुआ ही नहीं। तो अब आज हम फिजिक्स की और केमिस्ट्री वगैरह की सारों की प्रैक्टिकल कॉपियाँ साइन करवाने जानी है, तो हमने फुल तैयार होकर जाना है, प्यारा सा बन के जाना है। तो अभी मैंने अपने कपड़े देख लिए थे और आज मैंने स्किन केयर भी करनी है थोड़ा सा, यानी राइस मास्क बना के जो मैं बनाती होती हूँ वो मुँह पे लगाना है और लिप मास्क वगैरह लगाऊंगी। और फिर मैं क्या सोच रही थी अपने कपड़े अभी से इस्तेमाल करके रख लूँगी। वैसे मैंने डिसाइड तो कर लिया कि मैंने कल क्या पहनना है। तो वैसे मेरा ये मैं आप लोग को ये नहीं कहूँगी कि मेरा लास्ट डे, ये कम अज़ कम मेरा सेकेंड लास्ट डे है क्योंकि। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया कि लास्ट डे तो मेरा ये नहीं होगा क्योंकि ये सेकंड लास्ट डे होगा, क्योंकि सारी बात है लास्ट डे तब होगा जब हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के बाद हम स्कूल भी जाएंगे अपना रिजल्ट लेने, तो वो हमारा लास्ट डे होगा। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट डे हमारा वो होगा तो हम स्कूल से रिजल्ट लेने जाएंगे जब हमारा स्कूल में रिजल्ट आएगा हमारा 10th के बोर्ड का। गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कल स्कूल जाने के लिए, तो मैं कह रही थी कि मैं अभी से ही अपने कपड़े वगैरह निकाल लेती हूँ। तो मैंने डिसाइड तो कर लिया मैंने क्या पहनना है, आपको दिखाऊँ। ये देखें ये पहनना है मैंने टॉक है और साथ में ये चिकनकारी का मेरा साथ में रेड कलर का ट्राउज़र है पेल रेड कलर में। तो ये मैंने कल पहना है, मुझे बिल्कुल भी ना समझ नहीं आ रहा था जूतों में कि क्या पहनूँ, मेरे समझ नहीं आ रहा था मेरे पास कुछ है भी कि नहीं। क्योंकि मैंने ना एक दफ़ा ईद पे ना मम्मा ने मुझे जूता लेके दिया था, ईद पे नहीं शादी पे लेके दिया था मम्मा की शादी, और मम्मा ने कहा था मैं तुम्हें ईद पे जूता लेके दूँगी कोई ऐसा लो जो तुम ईद पे पहन लो। क्योंकि ना गाइस मुझे हील्स बिल्कुल पसंद नहीं है, जब मैं हील्स पहनती हूँ ना यानी मैं ना एक दफ़ा गोल्डन हील लेती हूँ या शादी पे या सिल्वर जो भी लेनी होती है उसके बाद मैं पूरा साल ही पहनती हूँ, मुझे हील्स इतनी अनकम्फर्टेबल लगती हैं। तो थोड़ी सी लाइट भी हो ना फिर भी मैं पहनती हूँ। अब ये देखें मैंने एक हील ली थी बिल्कुल लाइट सी है स्किन कलर में, ये देख सकते हैं इतनी ज़्यादा हील भी नहीं है, लेकिन ये भी मैं नहीं पहनती क्योंकि ना मुझे अनकम्फर्टेबल बहुत लगती हैं हील्स। तो मैं ज़्यादा ना फ्लैट्स की तरफ जाती हूँ, मुझे ज़्यादा फ्लैट्स पसंद है। तो मुझे याद आया कि इस जो इस सूट के साथ है ना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ना इसके साथ बनवाया, मुझे इतना सेम इसका खुस्सा मिला। अब आप ये देख सकते हैं ये खुस्सा है गोल्डन ग्रे रेड ग्रीन में, और अब आप ये सूट देखें। तो अभी गाइस फातिमा तो बहुत गुस्सा थी लेट आने की वजह से, लेकिन एक चीज़ ने उसे खुश कर दिया क्योंकि मम्मा आते हुए ले गई उसके लिए उसके फेवरेट बेसन वाले नान, तो वो खाएगी। और उन्होंने मेरे लिए भी लेकर आया, तो मुझे भी उन्होंने मेरा वाला हैंड ओवर कर दिया, लेकिन मैं तो खा नहीं सकती क्योंकि मेरा रोज़ा। तो ये देखें मैं उसे तार रही हूँ बस, अब बस चीज़ें हम हॉट पॉट में रख देते हैं और चटनियाँ फिश में रख देते हैं। अब मैं ये इफ्तारी में ही इंजॉय कर सकती हूँ, इफ्तारी में ही खाऊँगी।
मेरा तो बहुत दिल कर रहा है, लेकिन अब बस अब ने रोज़ा भी तो रखा है तो रोज़ा तो होता ही सबर के। अब देखते हैं फातिमा को कैसा टेस्ट लग रहा है और कैसा टेस्ट है उसे पूछते हैं। तो ये देखेंगे गाइस, फातिमा खा रही है अपना नान, फातिमा बहुत खुश है। गाइस फातिमा अभी खा रही है और मेरी तरफ मुझे देख देख के चिढ़ा रही है। वहाँ से पूछते हैं कैसा टेस्ट है। भाई हाई लो लो है। आप बताओ कैसा टेस्ट है। लो क्वालिटी है, लो क्वालिटी है। फातिमा को बहुत अच्छा लगा। तलहा बस पागलों वाली हरकतें खड़ी जा रहा है। फातिमा ने इतना ज़्यादा खा लिया, तलहा ने पूरा खा के बोल रहा है तलहा लो क्वालिटी। फातिमा स्कूल से लेट हो गई थी, बहुत गुस्सा चढ़ गया था, लेकिन फातिमा को रिश्वत दे दी गई जिसकी वजह से फातिमा खुश हो गई। और फातिमा अपने आमला का प्रिंसेस छुड़ा के उसके साथ खेल रही है, उसे खिला रही है खाना। अभी गाइस मैं अपने लिए बनाने लगी हूँ वो जो मैंने बताया था आपको राइस मास्क, तो अभी हम बनाते हैं, आपको दिखा रही हूँ। ये अब मैं चावलों को ग्राइंड करूँगी और फिर इसके अंदर दूध डाल के फिर बनाऊँगी। अभी हम चावलों को ग्राइंड कर लेते हैं। तो अभी मैंने इसको पीस लिए चावलों को और अब इसमें दूध भी डाल दिया। अभी गाइस मेरा राइस मास्क रेडी हो गया है, इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं आप, थिक थिक। तो अभी मैं इसको फ्रिज में रखने लगी हूँ क्योंकि मैं बहुत थक भी गई हूँ, थोड़ी देर बाद लगाऊंगी इसे फ्रिज में रख लेती हूँ ताकि ठंडा ठंडा हो जाए, फिर मज़ा भी आएगा लगाने का। तो अभी इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख लेते हैं कम से कम 10-15 मिनट तक। तो अभी गाइस मैंने 10 मिनट मास्क लगाने के बाद अपना मुंह धो लिया था। ये मैंने 5-6 महीने से ही ट्राई करना शुरू किया और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्किन सॉफ्ट और मॉइस्चराइज फील करती है इसे लगाने के बाद। और मैं इसे यूज़ करती आ रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मामा भी यूज़ करती हैं और मेरे ये पिंपल निकला है, पहले दूसरा निकला हुआ था, पहला भी निकला है, यानी पहले निकला फिर दूसरा। तो फिलहाल मेरी स्किन फ्रेश फील कर रही है। हमने हैंड अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं, अभी इन पर भी हम लगाएंगे आइस मास्क लेकिन अफ्तारी के बाद। अभी आइज अफ्तारी हो गई है, अफ्तारी में मैं यही खा रही हूँ। मैं कह रही थी मैंने अफ्तारी में यही खाना, तो अब मैं खाने लगी हूँ अपना बेसन वाला नान। तो मज़े का था लेकिन ठंडा हो गया था ना, वही बात हो गई ना, फ्रेश फ्रेश खाने का मज़ा आता है तब ताज़ा ताज़ा गर्म गर्म आए। आज का ब्लॉग हम यहीं पेंड करते हैं। मैंने अफ्तारी कर ली थी, उसके बाद मैंने हाथों पर मास्क भी लगा लिया था, आप रिजल्ट देख सकते हैं। ये देखें मास्क लगाया है मैंने, ये 10-15 मिनट तक सूख गया था, फिर मैंने धो लिया था, बहुत अच्छा रिजल्ट है। अब हम जल्दी धो जाते हैं, फिर उठना भी है सुबह 10:30 बजे तक स्कूल पहुँचना। तो मम्मा कहती हैं जल्दी सो जाना, वैसे मैं 12-1 बजे तक सोती हूँ, तो मम्मा कहती हैं जल्दी सो जाना अगर तुम भारी नींद पूरी हो जाए कल के लिए। तो यहीं पे हम आज का ब्लॉग एंड करते हैं, कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।